भारत गौरवाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पसीने में माँ डूबती है, पिता धूप में तपता है, तब जाके किसी बच्चे का लाड प्यार से पालन पोषण। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, सबसे छोटा शब्द यदि इस धरती पर कोई है तो वह मां है, और सबसे बड़ा कोई अर्थ इस धरती पर है तो वह मां का है। सबसे छोटा अर्थ और सबसे छोटा शब्द और सबसे बड़ा अर्थ। मां एक विश्वविद्यालय है, मां एक विद्यालय है, कह सकता हूं दुनिया में और शब्द सीखने के लिए तो पढ़ना लिखना पड़ता है, लेकिन मां सीखने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं हुआ करती। कोई वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मां शब्द तो वो शब्द है, इंसान तो क्या जानवर का बच्चा भी कुछ बोलना आए या ना आए, एक गाय का बछड़ा भी मां कहना तो सीख ही जाया करता है, एक जानवर भी मां कह करके अपनी मां को बुलाया करता है। ध्यान, मां शब्द शब्द नहीं, एक संवेदना है। मां कोई वाक्य नहीं, मां एक भावना है, मां एक रिश्ता है। आपसे इतना ही कहूंगा, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले तेरे बहुत काम आएगी। ठीक रहा है, सही कर सकते, ध्यान रखिए। मान्य जिंदगी तीन पड़ावों से गुजरती है, बचपन से होकर जीवन गुजरता है, जवानी से होकर जीवन गुजरता है, बुढ़ापे से होकर जीवन गुजरता है। बचपन भी आता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, बुढ़ापे के बाद क्या आता है? कुछ नहीं आता बुजुर्गों, ज्यादा इंतजार मत करो, बुझा बुढ़ापे के बाद तो आता कुछ नहीं है, जो भी है वो जाता ही जाता, इनकमिंग बंद हो जाती है, आउटगोइंग चालू रहती है बुढ़ापे में। बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, पर मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत होती है। मां ना हो तो बचपन बिगड़ जाएगा, महात्मा ना हो तो जवानी बिगड़ जाएगी, और परमात्मा ना हो तो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत है, जवानी को संभालने के लिए महात्मा की जरूरत है, और बुढ़ापे को संभालने के लिए परमात्मा की जरूरत हुआ करती है। इसलिए बारामती वालों में आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन में मां का आशीर्वाद ले लेना, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद ले लेना, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा महात्मा और मां, मां के बिना ना परमात्मा है ना महात्मा है, क्योंकि महात्मा के अंतिम अक्षर भी मां है और परमात्मा का अंतिम अक्षर भी मां हुआ करता है। मैं तो आपसे कहता हूं, यदि जीवन से इन तीन लोगों को निकाल दिया जाए, मां महात्मा और परमात्मा को निकाल दिया जाए, तो बताओ फिर जिंदगी जीने लायक क्या बचेगी, जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मां से बड़ा ना कोई दुनिया में। ध्यान रखना, एक शब्द है, एक पूर्ण ग्रंथ है, मां एक महाविद्यालय है, मां से गहरा कोई सागर नहीं है,
और मां से बड़ा कोई आसमान नहीं हुआ करता है, मां से बड़ी कोई धरती नहीं हुआ करती है, मां से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है, मां सबसे बड़ी है। मान्यवर, समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है, मेरा मुंबई में चातुर्मास हुआ, समुंदर से पूछा कि मां क्या होती है, समुंदर ने कहा मेरे सीने में तो मेरे भीतर तो रत्न हैं, जवाहरात हैं, लेकिन मैं मां को प्रणाम करता हूं क्योंकि मां वो होती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छिपा करके जिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने दुआओं से पूछा कि मां क्या होती है, बोले मां वो होती है जो गुनाहगार बच्चों को भी सजा से बचा दिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने जन्नत से पूछा कि मां क्या होती है, तो जन्नत ने कहा जो मुझे अपने पैरों तले दबा के रखती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैंने ईश्वर से पूछा कि मां क्या होती है, तो ईश्वर ने कहा जो मुझे भी अपनी गोद में खिला लेती है, दुनिया में वो मां हुआ, जो भगवान को भी गोद में खिला लिया करती है, भगवान को थपकियां दे करके सुला दिया करती है, वो दुनिया में ऐसा कोई भगवान ना होगा बिना मां के जो धरती पर आ गया हो। ध्यान रखिए, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, चाहे अवतार पुरुष हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, इस धरती पर भगवान को भी आने से पहले मां की कोख में 9 महीने गुजारना जरूरी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भगवान भी मां के बिना धरती पर नहीं आ सकता है, मां से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है, मां के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है। मां मारती है, मां डांटती है, मां फटकारती है, मां गाल में चांटा भी मारती है, लेकिन मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि अभागे हैं वो गाल जिस पर मां के चांटे ना पड़े हो। ध्यान रखिए, अभागा है, दुर्भाग्य है उसका, भाग्यहीन है वो लोग जिसके गाल पर मां के चांटों की चपत ना लगी हो। किस काम का वह जीवन है जिसे मां की डांट ना पड़ी हो। अरे मां की डांट यार, मां का चाटा संत के आशीर्वाद से भी बड़ा हुआ करता है मेरे भाई, भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। सौभाग्यशाली हैं जिन्हें मां मारती है, पीटती है। मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। यूं तो मां बच्चे के दर्द को सहन नहीं कर सकती है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां का दिल रोने लगता है, यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां की आंखों में आंसू लग, ये मां का प्यार है। चोट बच्चे को लगती है, दर्द मां के सीने में हुआ करता है, ये मां का प्यार। देखो, एक पत्थर की चोट लगी तो मां दुखी हो जाएगी, मां का दिल रोने लगेगा, लेकिन जब वही चोट ठीक कराने के लिए ये वो मां है जो इंजेक्शन भी लगवा दिया करती है, बच्चा मना करता है नहीं लगवाऊंगा नहीं लगवाऊंगा, मां जबरदस्ती हाथ पकड़ती है, उसको इंजेक्शन लगवा देती है। एक बात ध्यान रखना, चोट लगने पर दर्द होना ये भी मां का प्यार है, और दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवाना ये भी मां का प्यार हुआ। बड़े अनूठे प्यार, नहलाएगी धुलाएगी, शरीर का मैल निकालेगी मां, शरीर से मैल हटाना ये भी मां का प्यार है, और नहलाने धुलाने के बाद एक काजल का मैल माथे पर लगा देना ये भी मां का। अभी तो नहला रही थी, अब नहलाने के बाद काला काजल का टीका और लगा दिया करती है, ये मां का प्यार है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं, बोले आप कुछ बताओ। मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोले महाराज मम्मी कैसे बदल सकता हूं, मम्मी तो वही रहेगी। तो इनका मम्मी नहीं बदल सकता तो अपना स्वभाव बदल ले, दो में से एक तो बदलना ही पड़ेगा, अपनी सोच बदल ले, अपनी थिंकिंग बदल ले, अपने विचार बदल ले। बोले हाँ ये तो बदल सकता हूं, लेकिन मम्मी तो बदली नहीं जा सकती है। ध्यान रखिए मान्यवर, मां तो मां होती है। मैंने कहा क्यों है तेरी मम्मी खराब। बोले देखो ना महाराज, जब रात
तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मम्मी कहती सो जा सो जा सो जा, टीवी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती, बेटा तू सो जा बेटा सो जा। और जब मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती है तो मम्मी कहती उठ जा बेटा उठ जा, अभी तक नहीं उठा जल्दी उठ। जब नींद नहीं आती तब सुलाती है, और जब नींद आती है तब मुझे उठा दिया करती है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, ध्यान रखना अच्छी मम्मी वही होती है जो समय पर कहे बेटे को सो जा और समय से कहे बेटे को उठ जा। सुलाना भी मां का प्यार है और सुबह सुबह नींद से उठाना भी मां का प्यार। मां के प्यार से बड़ा क्या है इस धरती पर। मान्यवर, एक दिन राम से मां कौशल्या ने पूछा, जब राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापिस आए, सीता का परित्याग कर दिया उन्होंने, अकेले उदास खड़ी है कौशल्या, उसने पूछा कि पुत्र राम कैसा जीवन जी रहे हो, पूरे महल में बिना सीता के जीवन जी रहे हो। राम ने कहा मां तू तो सब जानती है मैं कैसे जी रहा हूं, इतना त्याग इतना बलिदान क्यों राम, 14 वर्ष जंगल में रहे इतने कष्ट सहन किए और आज सब कुछ मिला है फिर तुमने सीता का परित्याग कर दिया। राम राम बोले मां ये राजधर्म है, रघुकुल है, ऐसा कैसा रघुकुल ऐसा कैसा रघुवंश है कि जब से मेरे पुत्र का विवाह हुआ है एक दिन भी सुख की किरण तेरे जीवन में नहीं आई है। एक बात बताओ राम, इस सारे अयोध्या के लोग कहते हैं, इस सारी दुनिया कहती है कि राम तुम भगवान हो, ये लोग कहते हैं तुम अवतार पुरुष हो, बताओ राम आज ये मां पूछती है तुम इंसान हो या भगवान हो। राम ने मां के चरण छू लिए, मां की आंखें भर आईं। कौशल्या ने कहा बताओ क्या तुम अवतार पुरुष हो, क्या तुम नारायण का अवतार हो या इस धरती के भगवान कौन हो तुम राम। मां को उत्तर चाहिए आज, जानते हो श्री राम ने कहा कि मां मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं और मुझे नहीं मालूम कि मैं अवतार पुरुष हूं और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं महापुरुष हूं, तो फिर कौन हो तुम राम। बोले मां मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि अवतार हूं या भगवान हूं, लेकिन मेरी मां मैं इतना जानता हूं कि जिसके सिर पर तेरी जैसी मां का हाथ होता है वो इंसान भी भगवान बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, मां का हाथ सिर पर हो वो इंसान नहीं वो भगवान कहलाया करता है। मां तेरा आशीर्वाद मेरे सिर पर है, दुनिया भगवान कहे या ना कहे जब तक तेरा आशीष मेरे सिर पर है राम इंसान नहीं भगवान जैसा सौभाग्यशाली जीवन जिया करता है। ध्यान रखे मान्यवर, मां से बड़ा कौन है इस धरती पर, मां से महान कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार बनाया है, लोग कहते हैं विष्णु इस संसार का पालन करते हैं, और लोग कहते हैं कि महादेव संसार का विनाश करते हैं। मान्यवर करते होंगे, वैदिक परंपरा में लिखा है, इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हिंदू कहता है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, और जैन कहते हैं प्रकृति ने दुनिया बनाई है। लेकिन मैं पुलक सागर कुछ अलग ही सोचता हूं, बनाई होगी हिंदू मान्यता है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, इस्लाम की मान्यता है उसका भी सम्मान करता हूं, जैनों की मान्यता है मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक मान्यता और रख के जीता हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे भाई। क्या हो गया, रुकावट के लिए खेद है जी, आज का एड, अच्छा इनको दिख नहीं रहा है,
मेरे साथ चलो, सब कुछ दिखेगा, पूरी दुनिया दिखेगी। विचार करिए, मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा ने धरती को बनाया है नहीं, मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा आज तक, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने राम को नहीं देखा, मैंने महावीर को नहीं देखा। लेकिन बारामती वालों में एक चीज आपसे बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी आत्मीयता के साथ कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया, मुझे नहीं मालूम ब्रह्मा ने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जरूर बनाया है, इतना मैं जरूर जाना करता हूं। ध्यान रखना, ब्रह्मा का तो मुझे कुछ नहीं पता, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा पालन जरूर किया है, ध्यान रखना। और महादेव इस दुनिया को मिटाते हैं या नहीं मिटाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों को जरूर मिटाया करते हैं, ध्यान रखिए। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है कि यदि कोई मुझसे पूछा जाए कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और महेश कौन है, अरे जिस माँ ने मुझे बनाया है मेरे लिए, तो बारामती वालों माँ ही ब्रह्मा हुआ करती है, और जो माँ बाप पालन पोषण करते हैं वो ही विष्णु हुआ करते हैं, और मेरे लिए माँ ही महेश, माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को देखना, माँ बाप ने हमारा सृजन किया है, हमारा पालन किया है, और हमारी की बुराइयों को मिटाना है तो माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु और माँ ही महेश हुआ करती है। माँ से बड़ा कौन इस धरती पर। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिरों में जाते हो आप, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मेरे भाई जरा एक बार विचार करना, मंदिरों में किसकी पूजा करते हो, एक पत्थर को भगवान बनाते हो, जयपुर से मूर्तियां लेकर आ जाते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, उस पर मंत्र देते हो, अरे उस पत्थर को भगवान बनाने वाले भी तुम ही हो, अरे तुम ही भगवान बना लेते हो, तुम ही उसकी पूजा करने लगते हो, तुम ही उसकी आराधना करने लगते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे मंदिर में तो वो भगवान है जिसे हम बनाते हैं, वो घर में वो भगवान है जिसने हमें बनाया हुआ है, वह माँ बाप हुआ करते है जो हमें बनाते हैं। मेरे भाई, जिसे तुमने बनाया उसकी पूजा करते हो, आज से एक पूजा और शुरू करना, जिसने इस दुनिया में मुझे बनाया है वो भी किसी भगवान से कम नहीं। एक बात याद रखना, मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद वरदान देता है, पूजा के बाद वरदान देता है, मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है, लेकिन माँ बाप तो ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए किया करते हैं, अपने बच्चों के लिए किया करते हैं। एक बाप कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है, पसीने में माँ डूबती है, पसीने में माँ डूबती है, पिता धूप में तपता है, पसीने में माँ डूबती है, पिता धूप में तपता है, तब जाके किसी बच्चे का लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ करता है। ध्यान रखिए,